Rolling. Rolling. Congratulations, Karan ji and Tomar ji. सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद. आज इतना grand function कर रहे हैं आप, जहाँ पे राजोरा entertainment का launch है, plus musical vertical job start कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे? Look in the center. ये हमारा ना हम चाहते हैं कि उसमें इसमें हमने जो भी अभी तक बना के सोचा है कि सबके साथ में बड़ी इनका अपना सब कुछ और एनर्जी के लिरिक्स लिखे हुए हैं इसमें और अपना स्वाचा जी के इसमें आपका प्लेस किया है सब कुछ और ईद का एक माहौल है तो उसकी वजह से हमने ये लॉन्च करने का और ये प्रोग्राम करने का एक अभ्यास किया है. स्पेशल की बात करें तो हमारी कुछ थीम्स हैं जो कि सबसे डिफरेंट है. हम चाहते हैं जो भी हो वो डिफरेंट तरीके से हो. जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा निका पाली के साथ में और भी हमने बहुत सारे फीचर्स यूज किए हैं कैमरा लोग और अपने उसकी वजह से हमने यूज किया और हम चाहते हैं कि आगे आते आगे टाइम के और भी जो भी जितने भी हम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में उनको सब डिफरेंट लेकर के आएंगे और एक पब्लिक को और एक मीडिया को और एक टीवी के चैनल को हमें अच्छा नाम देना चाहते हैं. आपकी बहुत सारी वेब सीरीज भी आ रही है या एक हमारी इसके बाद में एक वेब सीरीज और है उसमें वो भी अभी जल्दी में आने वाली है तो उसको भी हमने किया है. उसमें भी कुछ बेटर ही मिलेगा आपको देखने के लिए. उसमें उसमें जो स्टार कास्ट है आपकी उसमें अपना रुमाल जैन है और अपने सोनम अरोड़ा है उर्वी सिंह है और कास्ट है विक्रम कौशल है उसमें एक और अनुपम खेर सिंह के साथ में उनका एक हमारी मूवी है जो थिएटर फॉर्म यूज कर रहे हैं उसको वो उसमें अनुपम खेर सिंह के साथ में है और एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सल है और बट बेटर है सबको देखने में मजा आएगा थिएटर में जाकर. हमने पहले बनाया हमारा हमने पहले बोला कि हमारा जो रजरा है तो वो कुछ डिफरेंट ही करना चाहता था. डिफरेंट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक बार बजट बना करके एक सब कुछ इकट्ठा करके एक एक करके फिर उसको रिलीज करते हो जाए जिससे कि हमारा राजोरा एंटरटेनमेंट और प्लस पब्लिक को पब्लिक जो भी अपनी मीडिया है और अपना जो टी वी चैनल है उनमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगता है. बात की जाए जो ईद आ रही है आज हम पूरा ईद का माहौल भी देख रहे हैं. आपने इफ्तार पार्टी भी रखी है इतना ग्रैंड फंक्शन रखा है. ये गाने में जिसमें सारा खान है और मृणाल सेन है और अजमेर में आपने शूट किया सामरी ब्रदर्स के साथ पहले उसके बारे में बताइए. इतना ब्यूटीफुल गाया आपने इतनी दिल को छूने वाली कवाली है जो आपकी स्पेशलिटी है. राजोरा एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर म्यूजिक वर्टिकल जो आप लॉन्च कर रहे हैं आपके गाने से उसके लिए क्या कहना चाहिए? के लिए कहना क्या है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है जिस कवाली को हमने गाया है और जिस कवाली के लिए है वो हमारे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की एक मायनाज वली है. उनको कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज. अब जिस चीज़ में एक वली का नाम आ जाए जिक्र आ जाए तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि वो अल्लाह ने चाह कामे में और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की. हमने भी और हमारी टीम ने जो उसके प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं हम सभी लोगों ने मिल के काफ़ी मेहनत की है और बाकी आपने सुन भी लिया है देख भी लिया है इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये अजमेर की गली इंशाल्लाह गली गली में बजेगा. आपने वीडियो भी देखा बहुत अच्छा. एक्सपीरियंस तो यह है कि हमारा पुराना है कोई नया तो है नहीं. 40 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं लेकिन इस कवाली में एक नयापन आया है जिसमें कि जो कुछ एक्टर हैं सारा खान है और दूसरे एक्टर जो है मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस अंदाज की कवाली आ रही है जिसमें सीरियल के एक्टर हमारे साथ हैं. इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा लोग बहुत पसंद करेंगे अंदर. अच्छा या ख्वाजा मेरी लो तो फकर तुमसे लगी है अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है. अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है. उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे. उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे. बस इतना समझ लो
बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। इंशाल्लाह सबकी तकदीर जगेगी जो सुने और भी जगेगी इंशाल्लाह। हर मुंह पे जुमला होगा लर चाह, हर आदमी कहता मिलेगा कि मैं अजमेर जाता मेरी तकदीर जगी है। आप बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं नहीं ये दिल मिले हमारे तुम्हारे। विनय जी का, विनय जी ने जैसा भी बताया था कि विनय जी का अभी सब चीजों में आपको देखता हूँ वो डिफरेंट वे में जाना चाहते थे, डिफरेंट वे से करके आकर के वहाँ पे गए अजमेर गए और अजमेर से जाकर के दरगाह पे बैठ कर उन्होंने कुछ उनके चरण पक्की पंक्तियाँ लिखी जो कि हमने बना के दिया उनको और हमें उन्होंने डिफरेंस किया कि हम बना के दें। ये हमारे विनय भाई हैं, जब ये लिखा जा रहा था तो मैं उस समय दरगाह में ही था और आंखें बंद करने के बाद जहाँ उंगली चलती गई वो चीज़ उसमें आती गई। ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल राइटर या कोई लिरिक्स नहीं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं हमेशा दरगाह जाते हैं बाबा से और दुआएं मांगते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे। उसी फ्लो में एक लगाव है अलग तरीके से दरगाह से, बस वहीं बैठे बैठे चीज़ें लिख गई। ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं तो मैंने जब दिया कि देखिए आपके कुछ काम आ सकता है, और इन्होंने इतना खूबसूरती इन्होंने बताया नहीं कि किस लेवल पर ले जा रहे हैं, लेकिन जब सर का नाम आया और जब देखा मैंने वीडियो तो मैं बोला इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें मामा का आशीर्वाद है, आवाज़ से लेके बनाने से लेके जो एक इंटेंशन था बहुत खूबसूरती से निखारा गया, उसके लिए पूरी टीम का मैं पर्सनली धन्यवाद करूँगा। एक छोटे से शब्द को कितना करामात कितनी खूबसूरती के साथ देश के दिलों में बिठाया जाता है उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ पर देख रहा हूँ। हमारे ऊपर क्या पूरे देश के ऊपर सब प्रैक्टिस कर रहा है तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ से स्टार्ट किया, अजमेर से स्टार्ट किया और अजमेर से कुछ करीब ख्वाजा जी ने स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते थे कि मतलब कि सब बनाती है जो आपकी रोमेंटिक है और ये सब चीज़ें बन रही हैं आज की जब चल रहा है सबके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हमारा जो आया हमने डिफरेंट करा, इसलिए डिफरेंट करना का चाहा कि हमें सदैव उनका हाथ लगा रहे। बात की जाए आजकल का जो म्यूजिक है यू नो आप इतने सीनियर इतने समय से इंडस्ट्री में है तो आप उसके बारे में क्या कहना है? कवाली अभी बहुत कम सुनने को मिलता है थोड़ा सा कवाली का ट्रैक चेंज कर दिया है इंडस्ट्री ने, क्योंकि कवाली नेशनल कवाली जो है वो तो आप जानते हो आपने सुना भी है, लेकिन आज के थोड़ा सा ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर ने म्यूजिक डायरेक्टर ने थोड़ा सा कवाली के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग पैदा किया है तो उसको भी पब्लिक लाइक कर रही है, पसंद कर रही है और अच्छा है। इसी बात पर आपकी बात मुझे याद आ गया कि जो आप हमारी कवाली है आपने सुनी होगी वो भी कवाली है, सुपर डुपर हिट कवाली फिल्म मैं हूं ना कि शाहरुख खान की। अब उसका क्या एंट्री है क्या इंट्रो है आपने देखा ही है, आज तक उसको 17-18 साल हो गए आज भी लोग लाइक करते हैं। तो अन्नू जी ने उसमें बहुत मेहनत करी, एक नया अंदाज पेश किया तो लोगों ने उसको लाइक किया, तो लफ्ज कवाली जो है वो अपनी जगह बादस्तूर है और रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है कवाली जो है कल्चर से बाहर जाएगी। Thank you.
सबको ही और सबको ही खा लेंगे, अच्छा लगेंगे सबको। उसी टाइप के जो ट्रेनिंग चल रहे हैं उस टाइप की उस पे भी टारगेट करें तो आई थिंक ये बच्चन भाई और धन भाई की जोड़ी इतनी प्यारी है कि वो दोनों एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और सामने वो आता है जो पब्लिक पसंद करना चाहते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि नई म्यूजिक कैसी होने वाली है, सो ये आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट ऑल दे वर्किंग ऑन। सो रैप से लेकर कमर्शियल म्यूजिक से लेकर एवरीथिंग विच द ऑडियंस वांट्स, मेरे ख्याल से अर्जुरा एंटरटेनमेंट चलते चलते क्या मैसेज देना ऑडियंस के लिए और सभी टीवी में जो भी देखने वाले हैं उन सबके लिए कि एक ही है कि हमारी चीज़ें आती रहेंगी और हम लोग उतना ही प्यार की तरह से आज मिला है और सब चीज़ों में करते First of all, it was definitely a pleasure working with Rajura Entertainment और उन्हीं के ये कह सकते हैं कि एक जरिया था जिसकी वजह से मुझे अखिलेश्वर जाने मिला। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ बेसिकली और फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ पूरे करियर में कमाली की है, तो द होल एक्सपीरियंस जो लोग इतने दूर से आते हैं अखिलेश्वर बहुत अलग था और सब समझ कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। वो जो कवाल थे एकदम, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट कवाली म्यूजिक था। एंड इनफैक्ट अजमेर शरीफ में जाके मुझे अगर दरबार में जाके यहाँ थोड़ा सा शूट करने मिल गया, आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ। एंड मैं जरूर बच्चन भाई और करण भाई के बारे में कहते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि आजकल बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो एक यंग टैलेंट प्रमोट करना ये इनका नेक्स्ट विजन है रजुरा एंटरटेनमेंट का। एंड आई थिंक सो ऐसे विजन के लिए हमारी इंडस्ट्री में सब जरूरत है, जहाँ पे नए एस्टैब्लिश लोगों को पहले चांस दिया जाता है बट ये नए लोगों को चांस दे रहे हैं, तो आई थिंक सो दैट्स फैंटास्टिक फॉर देम एंड थैंक यू सो मच बच्चन भाई करण भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बहुत अच्छी के लिरिक्स थे दरबार में एक कहीं ना कहीं साक्षात वो था कि हम वापस मिलेंगे, हम वापस आएंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो जहाँ उसने पहले ही कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें पहली बार मिला था, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। और मुझे लगता है कि प्यार का एक नया मोड़ जिसे कहते हैं कि लव नेवर डाइज इवन डिस्टेंस के नॉट किल इट, तो दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग। एंड आई थिंक सो मैं ये ज़रूर सुनते रहूँगा। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बिकॉज मैं एक जैन हूँ, तो आई एम अ जैनिज्म फॉलो, तो मैं कभी एडमिशन नहीं गया, कभी दरबार के अंदर गया, तो साक्षात जब मुझे जाने मिला शूट करने मिला, आई थिंक सो वो जो हमारे कहते हैं कि जो दुआ मांगने आते हैं वो इतने लोगों को मैंने देखा, तो हर वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अनबिलीवेबल कि क्यों हम ये कहते हैं कि दुआ में उतनी ताकत होती है। हमारे जैनिज्म में कहते हैं कि आप प्रे कीजिए भगवान में इतनी ताकत होती है, कि आपकी दुआ सच्चे मन से जब आप मांगते हो तो पूरी होती है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर बार जब भी मैं सुनूंगा मुझे अजमेश नहीं मिल जाएगा। आई थिंक सो एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ें करते रहें। एंड माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो विथ रजुरा एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट है और एक हिम्मत चाहिए वैसा सब्जेक्ट करने के लिए।
जो एक कहते ना कि एक कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो कन्विक्शन रजोरा एंटरटेनमेंट करण भाई और अचिन भाई का था, और उनके साथ पूरी जो टीम थी, आई थिंक सो वो हमेशा कहते ना कि इट्स ऑलवेज अ टीम. यस, रजोरा एंटरटेनमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले एक या दो साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ. और उसमें इन्होंने ही काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, और वो सबको बहुत ही अच्छा काम पर लेकर जाने वाले. आई फील जहाँ तक वेब सीरीज़ की बात है, सिंगी ने डायरेक्ट किया, और इस वीडियो की बात करूँ राज भाई को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल काम कर चुके हैं, और उनकी फिल्म कांस में भी अप्रूव हुई है एंड वहाँ पे भी नॉमिनेट हुई है. तो जब एक प्रोड्यूसर कन्विक्शन के साथ बोर्ड पे आता है किसी चीज़ को लेकर, एक डायरेक्टर अपने विजन के साथ आता है, और एक एक्टर उस विजन और डायरेक्शन में कन्विंस होता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है. और मेरे ख्याल से ये कवाली सिर्फ अगर आप विजुअली भी नहीं देखते तब भी आप सुनोगे, तो उसमें जिस तरह से दुआ के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें, आई थिंक सो इट्स ये एक दुआ है. गाना मैं गाना कवाली कम लोग एक दुआ है. अजमेर शरीफ जाना चाहिए एक बार, और अजमेर की गली जरूर जाना चाहिए. दरबार में जाओ, कोई इसमें अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता किसी जाति पात या धर्म में इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार सारे भगवान एक हैं. तो मैं खुद बाबी स्वामी जी को बहुत मानता हूँ, पर मैं खुद दरबार गया और मैं खुशी, जो खुशी मेरे अंदर थी उस वक्त मैं बता नहीं सकता, और इतने सारे भूतामर जो हम कहते हैं इतने सारे आए थे, तो आई थिंक सो एक बार अजमेर की गली जाना चाहिए. उसके बारे में हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ ही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी रजोरा एंटरटेनमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से ले आ रहा है. और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट का जब अनाउंसमेंट होगा, वो सब्जेक्ट जो है वो चौंका भी देगा और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा, क्योंकि जानना चाहेंगे. हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू रजोरा एंटरटेनमेंट होगा. प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल कर रहे हैं, रमजान डिपार्टमेंट अजमेर की गली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके टाइटल होने के क्या कारण चाहिए अजमेर की गली? सर देखो, एक हमने जो हमारा जो थीम है, हमारा जो गाना है, वो उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है और सब कुछ उन्हीं के साथ उसमें है. और फिर हमारी एक सोच थी कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में उनकी एक दाता है, उनकी सब कुछ उनके ऊपर हाथ रखने वाले हैं, वो हमारे ऊपर भी हाथ रखे उन चीज़ को, तो इसलिए हमने वहाँ पर जाकर के इंशाल्लाह. जाना तो है.
अंधेरी रात का मालिक, अंधेरों से ना घबराओ, अंधेरी रात जो गई पिया के पास, जो जब देखी Thank you.